हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूमीज किचन। अभी मैं बनाऊंगी मिल्क केक। ये बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है, तो चलिए बनाते हैं। मिल्क केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर दूध ले लिया है, फुल क्रीम वाला दूध ले लिया है। और यहाँ पे मैंने आधा जो मेजरमेंट के कप के आधा कप मैंने चीनी ले लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने नींबू का रस ले लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे घी ले लिया है, देसी घी। और यहाँ पे मैंने आधा टीस्पून छोटा इलायची पाउडर ले लिया है, और गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए केसर। मैंने गैस ऑन कर दिया है और गैस पे मैंने दूध रख दिया है, और इसको उबालने तक वेट करेंगे। अब दूध में उबाल आ गए हैं, तो इसको कंटिन्यू स्टार करते हुए हमें इसको पूरा 1/3 होने तक पका लेना है। अब मैंने करीबन 35 मिनट मैंने दूध को उबाल लिया है, और दूध को उबालने के बाद देखिए अब 1/3 हो गए, ये पूरा अच्छे से गाढ़ा हो गए हैं। तो मैंने 1 टेबल स्पून जो नींबू का रस रखी थी उसमें मैंने 1 टेबल स्पून पानी भी मिला लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा ये नींबू का रस ऐड करेंगे। तो जैसे ही देखिए हम हिलाएंगे नहीं इसको, थोड़ा सा काढ़ल होने लगे हैं, तो ये इकट्ठा हो जा रहे हैं। तो ऐसे इसको हम मिला देंगे और इसको थोड़ा सा वेट करेंगे, और उसके बाद फिर इसको मिक्स करते जाएंगे। अब 1 मिनट हो गए हैं, तो इसको कंटिन्यू हम फिर जैसे पहले से चला रहे थे अब भी कंटिन्यू इसको चलाते हुए और काफ़ी कम होने तक इसको हम पकाएंगे। अब मैंने 3-4 मिनट और पका लिया इसको, तो देखिए इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आ गए हैं ऑलरेडी। तो इसमें मैं ये 1 टेबल स्पून जो घी रखे थे वो ऐड कर दूंगी, और थोड़ा सा मिला लेंगे इसको। अब घी को अच्छे से मिला लिया है, मैं इसमें फिर ये जो चीनी है इसको मिक्स करके, और थोड़ा चीनी जैसे ही पानी छोड़ेगा थोड़ा सा, तो थोड़ा सा इसको हम मिला लेंगे अच्छे से। अब मैंने और 2 मिनट चला लिया है, तो देखिए अब बिल्कुल इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल रेडी है, ज़्यादा हम टाइट नहीं करेंगे। और इसमें जो ये छोटा इलायची पाउडर है इसको ऐड करके और गैस ऑफ कर देंगे, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। मैंने एक स्टील का बर्तन ले लिया है, थोड़ा सा गहरा बर्तन है, इसको स्टील के बर्तन को अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया घी से, और इसके अंदर में ये डाल देंगे, और इसको ढक के हम सेट करने के लिए मिनिमम इसको 15-16 घंटा रखेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो ये बहुत अच्छा एकदम से मिल्क केक बढ़िया से बन जाएगा। थोड़ा सा मैंने इसको सेट कर दिया है ऐसे ही, और इसको ढक के गरम ही ऐसे ही बाहर में हम छोड़ देंगे। पूरा 15-16 घंटा के बाद हम इसको फिर निकालेंगे। अब देखिए कितने अच्छे से ये बिल्कुल जो मिल्क केक है एकदम अच्छे से जम गया है, तो आप इसको ऐसे ऐसे साइड से थोड़ा सा लूज कर देंगे। थोड़ी देर के लिए गैस को हम ऑन कर लेंगे, और जस्ट थोड़ा सा इसको घी नीचे से जैसे हल्का सा पिघल जाएगा और ये लूज हो जाएगा, तो आराम से निकल जाएगा। तो थोड़ा सा गर्म करके ही हम इसको और बंद कर देंगे बस। प्लेट ऐसे रख के अब ये मिल्क केक देखिए बिल्कुल अच्छे से निकल गए हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच दूध और थोड़ा उसम गरम दूध में मैंने ये केसर भिगो के रखे हैं, तो इसको अभी पीसेस करके और इसके ऊपर ये डेकोरेट कर देंगे। मिल्क केक अब बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी एंड इजी रेसिपी है, तो अपने घर में जरूर से ट्राई कीजिए। मिलते हैं दूसरे रेसिपी के साथ।